नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे 100 वाट और 200 वाट इन्वर्टर के बारे में। यानी हमको बनाना है तो उसके लिए एक बोर्ड आता है मार्केट में, तो इसका जो इमेज है आपके सामने है और इसमें जो इसके इंटरनल इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में आप देखेंगे। और इसके जो रिले के कनेक्शन हैं और स्विच के कनेक्शन, उसे कैसे इंस्टॉल करना है यानी कैसे हमको कनेक्शन करना है, ये इतना आसान है कि आप कोई भी नॉर्मल तरीके से आप उसे 1212 ट्रांसफार्मर 5 एम्पीयर का लेकर भी जो है आप इस बोर्ड के द्वारा डिज़ाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें चार्जिंग के लिए जो ऑप्शन दिया गया है उसकी जो कनेक्शन कैसे करना है, यानी एक इन्वर्टर ट्रांसफार्मर यूज करके भी आप इसे छोटा सा इन्वर्टर बना सकते हैं 100 वाट या 200 वाट यानी 100 वाट या 200 वाट के इन्वर्टर को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि लाइट ना रहने पे जो है एक बैटरी के द्वारा आप बहुत सारे काम इससे कर सकते हैं। क्योंकि दीपावली आने वाली है तो इस पे जो है हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा SG3524 नंबर की IC है, जो कि ये एक ड्राइवर IC है और ये MOSFET है। इस समय ये हमारा 100 वाट अगर बनाना है आपको तो यहाँ पे एक एक MOSFET लगेगा, और अगर यहाँ पे 200 वाट आपको डिजाइन करना है तो ये MOSFET की संख्या एक एक बढ़ जाएगी। और इस MOSFET में आपको बता दें, ये इसका सोर्स है और ये ड्रेन है, ये गेट है, और सोर्स यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये ग्राउंड करना है और इसमें कोई ओवरलोड का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। इसके वाटेज के हिसाब से आपको लोड देना है, एक नॉर्मल लोड मान के चलना है कि 100 वाट पे है या 200 वाट पे, उतने के अंदर ही आपको इस पे लोड देना है, जिससे बैकअप भी मिलेगा और इसकी सुरक्षा भी रहेगी, क्योंकि इसमें जो है ओवरलोड प्रोटेक्शन की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। तो इसके बारे में आज आप जान लीजिए कि हमारा ये IC जो है ड्राइवर IC है और ये 16 पिन की है, और 16 पिन में जो ये 15 नंबर की पिन है इसकी BCC पिन है, ये यानी यहाँ पे जो है इसको काम करने के लिए जो सप्लाई दी जाती है ये पिन जो है BCC है। इसको एक स्विच से कनेक्ट करके यानी बैटरी के पॉजिटिव से 12 वोल्ट यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई जो है प्लस से जोड़ के यहाँ पे एक स्विच लगाया जाएगा, जिससे ऑन ऑफ कराने का काम करता है ये स्विच, यानी इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने का काम करता है। और दूसरी बात, यहाँ पे आप देखें इसके वोल्टेज को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी PWM जो इसके पल्स आउट होते हैं इसको कंट्रोल करके आप इसके वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रीसेट के द्वारा। और पिन नंबर 2 यहाँ पर जो है एक रेफरेंस वोल्ट आउट होता है जो कि 5 वोल्ट होता है, ये इंटरनल 12 वोल्ट से 5 वोल्ट यहाँ पे आउट होते हैं जो कि एक रेफरेंस वोल्ट होते हैं, और इसे इसके पल्स को कंट्रोल करने के लिए दोनों को यहाँ पे पिन नंबर 2 पे एक रेफरेंस वोल्ट के द्वारा फिक्स किया गया है, यानी इसके दोनों पल्स को इक्वल यानी बराबर करने के लिए यहाँ पे एक पिन नंबर 2 पे 10K रेजिस्टर लगा के बराबर कर दिया गया है, और इससे जो है आप वोल्टेज को कम ज़्यादा करके आप यूज कर सकते हैं इस इन्वर्टर को। और दूसरी बात, इसमें जो ख़ास बात है जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, इसमें देखिए ये तो आपको मार्केट में मिल जाएगा बना बनाया, इसमें आपको बस काम करना है जैसे हमारा इंडिकेटर का ये जो लाइट की व्यवस्था है, यानी कि किस इंडिकेट कैसे होगा कि इन्वर्टर ऑन है या चार्जिंग है, तो उसके बारे में और रिले के बारे में कि उसकी कनेक्शन कैसे की जाएगी,
इसी को लेकर ये वीडियो मैंने बनाया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका हो गया इन्वर्टर और ये हो गया चार्जिंग इंडिकेटर, ये लाइट। अब इन्वर्टर को ऑन करने के लिए, और यहाँ बीच में ये ग्राउंड रहेगा, ये दो एलईडी यूज की जाएगी। और इसका कलर आप जो है अपने अनुसार कर सकते हैं, यानी ग्रीन ये जो है चार्जिंग हो जाएगा, रेड इन्वर्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगर इन्वर्टर ऑन करना है तो इन्वर्टर जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको जो सप्लाई मिलेगी, यानी जब यहाँ पे पल्स आउट होंगे तो इसके द्वारा जो सप्लाई मिलेगी, तो आपका एक इंडिकेशन ये होगा कि इन्वर्टर हमारा ऑन है। और दूसरे कंडीशन में आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो हमारा चार्जिंग, यानी ये चार्ज वाली एलईडी जलेगी, तो वो उस कंडीशन में जलेगी कि जब यहाँ पे 10 नंबर वाली, यानी जो आईसी है इसके 10 नंबर पे जब हमारे वोल्टेज पॉजिटिव आएंगे, यानी ये शटडाउन पिन है, पिन नंबर 10। शटडाउन मतलब होता है कि यहाँ पे जो है जब इसको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी तो इसकी ओसिलेशन को जो है ये बंद कर देगा। वो कैसे? वो इसलिए कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि 012 का है, और यहाँ पे जब एसी सप्लाई हमारी इन होगी मेन से, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आउट होंगे, यानी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, वो सप्लाई यहाँ से बन के सीधे जो है इस पिन नंबर 10 पे पहुँचेगी। और इस आईसी का चूँकि ये शट डाउन पिन है, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ये वोल्टेज इसके ओसिलेशन को इंटरनल बंद कर देगा और ये इन्वर्टर हमारा बंद हो जाएगा। और यही वोल्टेज यहाँ पे इंडिकेशन का काम करेगा, यानी इसको जो है सप्लाई मिलेगी तो ये हमारा इंडिकेट करेगा कि चार्जिंग हमारी ऑन हो गई। और इसको ऑन करने के लिए आप यहाँ पे देखिए, ये जो है रिले, ये रिले जो है जिसका यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस टाइप से होता है रिले, और उसमें ऐसे 3 इधर और 3 इधर, यानी एक ही में 2 रिले रहता है, समझ लीजिए। और इसका जो एक कॉयल होता है इंटरनल, यानी इसको ड्राइव करने के लिए, तो इसमें जो इसका कनेक्शन जो करना है उसको आपको कुछ इस तरीके से करना है कि जैसे इसका आप देख लीजिए, ये जो है यहाँ पे प्लस माइनस इस कॉयल में जब वोल्टेज इन होंगे तो ये रिले जो है अपना फंक्शन करेगा। तो इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, ये है ये और ये इसका और इसका। अब इसके बाद देख लीजिए, 3 पिन ये है, 3 पिन ये है, यानी 3 पिन ये और 3 पिन ये। अब ये जो कामन बना है, दोनों को जो है आपस में शॉर्ट किया गया है, और आउटपुट यानी यहाँ से सप्लाई हमको जो मिलनी है, तो वो हो गया इसका ये नीचे वाला ये। अब बचे दो, अब दोनों पे आप देख लीजिए, ये है और ये है, यानी ये और ये। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, ये वाला है और ये वाला है। इसी रिले को जो है आप इस तरीके से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा जो है यहाँ पे एक पीएफ लगेगा, जो कि आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं, और जो फैन में यूज होते हैं 1 MFD 400 वोल्ट कैपेसिटर, उसे भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इसको जो यहाँ पे जो जोड़ना है, ये एक पॉइंट यहाँ पे रहेगा और एक न्यूट्रल पे। न्यूट्रल मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये जो हमारा फेज और न्यूट्रल इन हो रहा है, ये यहीं से जो है यहाँ पे सॉकेट पे जाएगा। सॉकेट पे एक कॉमन के रूप में यहाँ पे जो है ये इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है, और इस इन्वर्टर ट्रांसफार्मर का यहाँ पे जो है न्यूट्रल से ये जुड़ जाएगा, यानी न्यूट्रल एक बार इस ट्रांसफार्मर में जुड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे सॉकेट में जुड़ेगा। सॉकेट में जुड़ने के बाद ये इन्वर्टर ट्रांसफार्मर जो है, ये हमारा इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है, ये इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है। अब इसमें देख लीजिए, चार्जिंग के लिए 2 वाइंडिंग अंदर बने हुए हैं, 1 और 2, और ये लास्ट वाला जो है ये 260 यानी इन्वर्टर आउटपुट के लिए है, यानी यहाँ से जो सप्लाई मिलेगी बैटरी से, जब यहाँ पे स्विचिंग होगा तो इसके द्वारा जो आउट होगी सप्लाई, वो यहाँ पे लास्ट वाले वाइंडिंग पे मिलेगा। अब बीच में जो है चार्जिंग इसका लो और हाई के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे नीचे वाले टर्न से अगर ये, यानी इस लूप से अगर ये यहाँ पे जुड़ेगा, तो
तो इस समय चार्जिंग जो है इसका हाई होगा अगर चार्ज करना है बैटरी को तो उस समय। और यहाँ पे अगर स्विच को ऑन कर देंगे यानी टू वे स्विच एक लगाएंगे और उसके द्वारा यहाँ पे स्विच को बीच वाला कॉमन करके जब नीचे की तरफ करेंगे तो डाउन कंडीशन और ऊपर की तरफ करेंगे तो हाई कंडीशन, यानी चार्जिंग को कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है यानी ये रिले का ये पॉइंट है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद ये रिले ऑन हो जाएगा, ऑन होगा तो इस समय जो है ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा ये। पहले नॉर्मल में ये कनेक्ट था इससे, यानी ये जो है बीच में हमारा ये हो गया कॉमन और ये सीधे आउटपुट पे जाएगा जैसा कि यहाँ पे जा रहा है और ये रिले है। अब देख लीजिए ये जो है नॉर्मल कंडीशन में इससे जुड़ा था ऐसे, और जब सप्लाई आई तो ये क्या हुआ, ये ऊपर वाला पॉइंट छोड़ के ये फिर इससे जुड़ गया इससे, यानी जब नॉर्मल कंडीशन में था तो ये कॉमन वाला इससे जुड़ा था और इससे जुड़ा था, लेकिन जब लाइट आई और इसको 12 वोल्ट की सप्लाई मिली यानी इसको, तो उस समय क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट हट के इससे जो है टच हो गया। तो यही कंडीशन यहाँ पे हुआ कि पहले ये क्या था, यहाँ से कनेक्ट था यहाँ से, और जब लाइट यहाँ पे सप्लाई जनरेट हुई तो ये रिले ऑन हो गया, ऑन हुआ तो ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। अब देखिए उस समय चार्जिंग कैसे होगा, ये फेज की लाइन यहाँ पे जा रही है और ये न्यूट्रल की लाइन इस ट्रांसफार्मर पे जा रही है। अब देखिए ये लाइन जो है इसको 220 की सप्लाई ये यहाँ से होते हुए इससे, चूँकि ये कनेक्ट है कॉमन से, इस समय क्या होगा कि जैसे ये इससे ऑन है तो ये इससे ऑन हो जाएगा, यानी यही सप्लाई यहाँ से ऐसे घूम के और यहाँ से जब ये रिले ऑन होगा तो यही सप्लाई यहाँ पे पहुँचेगी, यानी लो और हाई करके इस स्विच पे आप लो या हाई कंडीशन में करके इसको जो है सप्लाई देंगे तो यहाँ पे जो है इसके द्वारा चार्जिंग आप कर सकते हैं। और इसका जो वायरिंग है ये ट्रांसफार्मर का, इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आपको जो है बीच में बैटरी से जोड़ना है, ये हमारी बैटरी होगी, और बैटरी में एक होगा प्लस एक होगा माइनस, और प्लस वाला जुड़ जाएगा इससे और नेगेटिव वाला चला जाएगा यहाँ पे। और दूसरा कंडीशन ये है कि ये बैटरी जो है 12 वोल्ट की होगी, या आप कोई भी छोटी बैटरी आप 12 वोल्ट का यहाँ पे लगा के चला सकते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो लूप निकला हुआ है ये सीधे क्या होगा कि इसके ड्रेन पे जाएगा मॉस्फेट के, और वो इस कंडीशन में जाएगा ऐसे, देखिए ये यहाँ पे जो है ऐसे इसके बॉडी से टच हो जाएगा, ये यहाँ पे एक ये हो गया जो इसके बॉडी से टच होगा, और दूसरा जो वायर है इसका ट्रांसफार्मर का ये यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ये दोनों वायर यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अब अगर ये 100 वाट है तो सिंगल सिंगल मॉस्फेट रहेंगे, और अगर जो है 200 वाट है तो यहाँ पे एक एक मॉस्फेट और प्लस हो जाएंगे, यानी इसके पैरेलल में लग जाएंगे आ रहेगा। और यहीं से देखिए एक एक डायोड लगे हुए हैं जो कि ड्रेन से जुड़े हुए हैं, और ये दोनों डायोड के जो कैथोड हैं आपस में टच हैं, यानी इसके और इसके, और ये जो है सप्लाई यहाँ पर देख लीजिए इसके जो है पिन नंबर 1 पर जा रही है एक रेजिस्टेंस के द्वारा जो कि 47 के की रेजिस्टेंस है।
तो इसका जो कुछ इस प्रकार से ये कनेक्शन है जो कि आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। और इसका जो डिटेल और भी वीडियो है उसका हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे।